हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान में आपका स्वागत है। ये जो चैप्टर है ये 12th सेंचुरी के बाद से शुरू होता है, जब दिल्ली पर जो है मुस्लिम शासकों का शासन शुरू होता है। बेसिकली इनमें से अधिकांश ऐसे थे जो कि बाहर से आए हुए थे, इस कारण जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन पुराने राजाओं के दौर से थोड़ा अलग होता है, पहली बात। सेकेंड थिंग क्या है, दिल्ली सुल्तान की खास बात क्या है कि ये वो पीरियड है 1206 में पहली बार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है, उसके बाद से कहानी शुरू हो रही है। कि यहाँ से जो हिस्ट्री है उसका एक सिस्टमैटिक जो है डिस्क्रिप्शन मिलना शुरू होता है। वजह क्या था कि जो मुस्लिम लोग थे वो हिस्ट्री के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर थे, तो इसलिए अच्छा कागज़ भी इन्वेंट हो, कागज़ भी जो है इंडिया में अच्छे तरीके से पब्लिश होने लगा था, और इस कारण जो है इंफॉर्मेशन जो है संभाल करके रख पाना बहुत ईजी हो गया। इस कारण दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जिसके बेस पर ये जो है पूरा इनके बारे में हम जो है पूरी जो है अपनी इमेज बना पाते हैं। आइए देखते हैं, जो अगेन लास्ट चैप्टर में हमने जो चोला डायनेस्टी देखी थी उसी के पैरेलल दिल्ली में जो है एक पैरेलल जो है सल्तनत डेवलप हो रही थी। स्पेशली थोड़ा लेट से ही डेवलप हुई, बट जो दिल्ली सल्तनत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। स्टार्ट कब होता है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने दिल्ली पर राज किया था देवर तोमर राजपूत, ठीक है। अब ये लोग जो है लगभग 11th सेंचुरी के आसपास जो है रूल कर रहे थे, उसके जस्ट बाद जो है 12th सेंचुरी तक आते आते जो है इनको हरा दिया गया, और हराया किसने था, चौहान। आपने पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनी होगी, पृथ्वीराज संयोगिता की लव स्टोरी जो है ऐतिहासिक लव स्टोरी रही है। तो उनको जो है तोमर राजपूत को हराने के बाद चौहान डायनेस्टी आती है, क्योंकि ये 700 साल का पीरियड है तो सभी राजाओं के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसलिए नाम से परेशान मत होइएगा, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राजाओं के। स्पेशली हमारे लिए जो है उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तोमर, उसके बाद जो है चौहान डायनेस्टी आती है। तोमर और चौहानों के टाइम से ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट शहर बनना शुरू होती है। आपने जब जो है स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा मगध इम्पॉर्टेंट था, फिर साउथ के बड़े बड़े शहर इम्पॉर्टेंट थे। अब क्या है, सारा का सारा फोकस जो है दिल्ली में आना शुरू होता है, और यहीं से जो है ले करके आज तक लगभग 12th सेंचुरी से लेकर आज तक दिल्ली जो है इंडिया की सबसे प्राइम सिटी रही है। तो हम इसीलिए जो है दिल्ली को फोकस में रख करके पढ़ना ज़रूरी है। अब एक और चीज़ है, जिस दिल्ली को हम जानते हैं ये दिल्ली जो है 7 बार बसी और उजड़ी और बसी है। बार बार अटैक हुए, दिल्ली शहर को बर्बाद किया गया, फिर बनाया गया, फिर उजड़ा गया। तो इस दिल्ली के भीतर जो है कई सारी दिल्ली है। एक बार हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा रहा। अगर ये पिक्चर आपको साफ नहीं हो रही होगी तो थोड़ा सा जो है इसी वीडियो के टॉप पे जो 3 डॉट्स होते हैं इस पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर दीजिएगा। आइए देखते हैं दिल्ली कौन कौन सी दिल्ली रही है। एक दिल्ली है कोहना, ठीक है, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, जहाँ पनाह नगर, सीरी, ठीक है, ये जो है इसके बाद जो है एक फिरोज शाह कोटला, और एडिशनली सबसे लेटेस्ट जो है नई दिल्ली, ठीक। तो दिल्ली को जैसा ही कहा गया बार बार अटैक होते रहे, शहर बर्बाद होता रहा और बार बार इसको बसाया जाता रहा, ठीक है। सबसे पहले किन्होंने काम किया था, तो तोमर राजपूत थे, उसके बाद चौहान राजपूत थे। उस टाइम बहुत सारे जो है जैन मर्चेंट्स यहाँ रहते थे, और उन्होंने जो है बहुत सारे भव्य जो है टेम्पल्स बनाए थे। बाद में इनको जब फॉरेन अटैक्स होने लगे तो इन टेम्पल्स को तोड़ दिया गया। इसी टाइम बहुत सारे सिक्के भी छापे गए, जो इन सिक्कों को दिल्ली वाल कहा जाता है। दिल्ली वाल क्यों, क्योंकि जो है दिल्ली वाला, ठीक है, दिल्ली वाला जो है ये वर्ड इसी दिल्ली वाला से ही निकला हुआ है, ठीक। कुछ पुराने सिक्के जो है गूगल पे मिले हुए, तो फिर जो है ये पुराने सिक्के हैं जो कि अर्ली टाइम में डेवलप हुए थे, मीन्स पुराने राजाओं ने डेवलप किए थे। अब जो दिल्ली का जो स्ट्रक्चर रहा है, जैसा कि बताया कि जो है इसमें कई बार बसाया गया और जो है ये चीज़ें बर्बाद होती रही। दिल्ली पर किन किन रूलर्स ने रूल किया, तो दिल्ली का इतिहास लंबा है, बहुत सारी डायनेस्टी रही थी, यहाँ उनमें से कुछ का रेफरेंस है। तोमर डायनेस्टी जो कि 1165 तक रूल की थी, जिसमें सबसे फेमस कौन थे, अनंगपाल तोमर 1130 से 1145 तक, चौहान 1165 से 1192, और इसमें जो है सबसे फेमस राजा थे पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। इसके अर्ली टर्किश रूलर, ठीक है,
1206 से लेकर के 1290, यहीं से दिल्ली सल्तनत जो है माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, उसके बाद इल्तुतमिश 1210 से जो है 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 40 और गियासुद्दीन बलबल 1266 से 1287। इन राजाओं की जो खास बात ये रही है, ये सारे के सारे स्लेव रहे हैं। इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो सबसे शानदार बात मुझे ये लगती है कि इनके यहाँ जो है कोई ऐसा नहीं था कि आप एलीट फैमिली के होगे या क्षत्रिय के होगे तभी आप राजा बन सकते हो। ये अपने स्लेव्स तक को जो है राजा बनने का मौका दे सकते थे। ये जो है दुनिया के किसी और सिविलाइजेशन में नहीं मिलता सिवाय और सिवाय इस्लाम के। दैट्स ए ग्रेटेस्ट थिंग। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसी के नाम पर जो है कुतुब मीनार पड़ा, ठीक है। रजिया एक अकेली जो है लेडी थी जिसने जो है मुस्लिम सुल्तान की जो है उपाधि धारण की थी, इसकी कहानी आगे मिलेगी, ठीक है। आप इनके बाद जो है क्या कहते हैं, एक नई डायनेस्टी आती है, खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खलजी 1290 से 96, और जो सबसे फेमस रहा है अलाउद्दीन खिलजी। आपको याद होगा पद्मावत में जो है आपने इसकी शक्ल देखी थी, क्या पद्मावत फिल्म में जो है रणवीर कपूर जो दिखे थे, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में क्या है, कौन कौन है, ठीक है, 1320 से 1414। तो सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक, सबसे ज़्यादा जो फेमस रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक लिखा है, बिन तुगलक इनका पूरा नाम था। इनको पागल बादशाह कहा जाता था, एट द सेम टाइम ही वॉज ए जीनियस पर्सन, ठीक। 1324 से 1351, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। इसके बाद कौन आती है, दो छोटी छोटी डायनेस्टीज आती है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक जो है सैयद डायनेस्टी थी 1414 से 21, और लास्ट में जो है लोदी डायनेस्टी आती है 1451 से 1526, ठीक है। 1451 से 1489 तक बहलोल लोदी थे, इसके बाद लास्ट जो थे इब्राहिम लोदी थे। अच्छा, 1526 के बाद क्या हुआ, तो बेसिकली 1526 वो पीरियड था जबकि बाबर का भारत में अटैक होता है, उन्होंने लास्ट लोदी राजा इब्राहिम लोदी को जो है मार डाला था, और उसके बाद जो है बाबर जो है भारत के राय जो है मुग़ल बादशाह बने थे, और यहीं से मुग़ल डायनेस्टी शुरू होती है। तो जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है वो 1526 तक चलता है, कहाँ से, तो ये 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के 1526, तो ये लगभग 300 साल का जो पीरियड है यही जो है बेसिकली दिल्ली सल्तनत के भीतर हमें पढ़ना है। फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तनत, अब सवाल आता है कि हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। इतिहास में अगर कोई घटना हो रही है तो ये जानना ज़रूरी है कि हमको पता कैसे चला। तो इस दौर में हमको जो है कुछ इंस्क्रिप्शंस, क्वाइन और आर्किटेक्चर तो मिले ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमको रिटर्न हिस्ट्री मिलनी शुरू हो जाती है, जिसके लिए जो वर्ड वो यूज़ करते हैं तारीख या तवारीख। तारीख सिंगुलर है, डेट हम भी यूज़ करते हैं, तारीख प्लूरल में तवारीख, ठीक है, पर्शियन का भाषा का वर्ड है। इसका मतलब ये था कि जो सुल्तान लोग थे ये लोग जो है अपने बारे में जो हिस्ट्री लिखवाने के बारे में बहुत इंटरेस्टेड थे। ये लोग चाहते थे कि आने वाली जनरेशन हमको जाने, इसलिए जो है इतिहास पर उन्होंने खूब सारा काम किया, ठीक है। तो जो है इसी से हमको पता चलता है। अच्छा, इस दौर में कागज़ चूँकि सफिशेंट अवेलेबल था, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख सकता है कि यहाँ ये कागज़ बना रहा है, यहाँ पर जो है लिखाई हो रही है कागज़ पर, यहाँ पर जो है उस पर डेकोरेशन हो रहा है। चूँकि उस दौर में क्या होता था कि बुक चूँकि राजाओं के लिए बनती थी, तो उस पर जो है बाकायदा गोल्ड से, डायमंड से, प्रेसियस मेटल से एम्ब्रॉयडरी होती थी, और यहाँ पर जो है उसकी जो है बाइंडिंग हो रही है। तो किताबें बड़ी शानदार और बड़ी खूबसूरत होती थी, ठीक है। अब जो आथर्स ऑफ तवारीख कौन थे, तो जो भी जो है इन बुक्स के राइटर्स थे वो बेहद पढ़े लिखे और शानदार लोग होते थे, बहुत ही टैलेंटेड लोग होते थे, ठीक है। और एडिशनली जो है वो जो है या तो किसी न किसी टॉप लेवल पोस्ट पे, या तो सेक्रेटरी थे, कहीं के गवर्नर थे, पोएट्स थे, दरबारी थे, तो इस तरह के जो है ऐसे लोग जो कि राज दरबार से जुड़े हुए थे वही लोग जो है इन किताबों को लिखते थे। इसलिए जब भी हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो राजाओं के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक और चीज़ थी, चूँकि राजा ही इसके लिए पैसा देते थे, तो इसमें थोड़ा बहुत झूठ भी मिलता है कि राजा के बारे में जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इन्फॉर्मेशन दी गई। एक बड़ा शानदार सा चीज़ इन्फॉर्मेशन मिला है, सर्किल ऑफ जस्टिस, ये जो है 13th सेंचुरी में दिया गया था, और आज भी जो है ये चीज़ बड़ी सही लगती है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक राजा को सर्वाइव करने के लिए सैनिक चाहिए, सीधी सी बात है, जब सैनिक ही नहीं तो राजा किसका, और जब सैनिक है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी कहाँ से आएगी, जब पीजेंट जो है टैक्स देगा, और पीजेंट टैक्स कब देगा,
जबकि जो है वो प्रॉस्परस और हैप्पी हो, ठीक है। और हैप्पी कैसे होगा, जब राजा जो है उसको एक अच्छा गवर्नमेंट देगा और उसको जस्टिस देगा। तो इस तरह से एक सर्किल बनता है, आप देखोगे कि जो उसने जो है मुदब्बिर ने जो सजेस्ट किया था कि राजा जो है जो पीजेंट्स हैं उनको अच्छी फैसिलिटी दे, अच्छा गवर्नेंस दे, पैसे कमाने का मौका दे, जब पैसा कमाएंगे तो ये लोग जो है अच्छा टैक्स भरेंगे, ठीक है। जब टैक्स भरेंगे तो उससे जो सैनिकों को सैलरी मिलेगी, जब सैनिकों को सैलरी मिलेगी तो राजा और ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। इस तरह से ये सर्किल ऑफ जस्टिस जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये जो है 30th century में ये सजेशन दिया गया था और ये बात आज भी उतनी सही है कि अगर जनता खुश रहेगी तो राजा पावरफुल होता है, जब जनता ही दुखी होती है तो राजा को भी पंगा होता है। अब कुछ और बातें हैं जिस पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं। जो भी तवारीख के राइटर्स थे उनकी जो किताबें हैं, मीन्स जो सल्तनत एज की जो बुक्स हैं, उनको पढ़ते समय कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है, कुछ गड़बड़ियाँ उन्हें मिलती। पहली चीज़, जो भी जो राइटर्स थे वो सारे के सारे जो है शहरों में रहते थे, खासकर दिल्ली में। तो ऐसे केस में कॉमन लोगों के बारे में जो है उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी या उनको इग्नोर करते थे। जो भी उनकी स्टोरीज़ हैं वो शहरों के बारे में, राजाओं के बारे में नंबर वन थी, ठीक है। तो गाँव को उन्होंने इग्नोर किया या फिर जो है जानबूझ के बारे में उनके बारे में नेगेटिव ही लिखा। सेकेंड थिंग क्या था कि वो काफ़ी जो है उनको ये उम्मीद होती थी राजा खूब सारा इनाम देगा, चूँकि राजा ही किताबें लिखवाता था। अब राजा के खिलाफ लिखोगे तो राजा तो आपको उल्टा जो है फांसी पे लटका देगा। तो ऐसे केस में उन्होंने जो है अब हर वो बात लिखी जिससे राजा खुश हो, और कई बार ऐसी डाटा को इग्नोर कर दिया जिससे राजा नाराज हो। तो हम आंख बंद करके इन तवारीख पे भरोसा नहीं कर सकते कि ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। थर्ड थिंग, जो भी ऑथर्स थे वो ये मान करके चलते थे कि जो सोशल ऑर्डर है, जो पुराना सिस्टम है वो एकदम से सही है। मीन्स एक आइडियल सोसाइटी वो है जहाँ पर जो कई राइट्स बेस्ड ऑन बर्थ राइट होते हैं। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि सोसाइटी में कुछ लोग एलीट क्लास होते हैं जिनको बाय डिफ़ॉल्ट जो है रूल करने की पावर होती है, ठीक है, और बाकी लोग जो है लोअर कास्ट के होते हैं, लोअर होते हैं, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जायज है, ठीक है। जेंडर डिस्टिंक्शन क्या है? उनकी सोच ये होती थी कि मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है, मेल का काम है वो रूल करे या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, सारा कुछ करे, और फीमेल का काम है घर मैनेज करे। तो इस तरह की जो है उनका खुद का माइंडसेट जो है डिस्क्रिमिनेटरी था। तो ऐसे केस में जब भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमको ये चीज़ दिमाग में रखनी होती है कि वो जो कह रहे हैं वो आँख बंद करके हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब जो है जेंडर बायसनेस का एक बड़ा शानदार सा एग्जांपल दिया। 1236 में इल्तुतमिश जो राजा था उसने अपनी बेटी को सुल्तान बनाया था। क्या उसके जितने भी बेटे थे सारे नालायक थे, तो उसने क्या कहा कि ठीक है हमारी बेटियों से अच्छे तो बेटे से तो अच्छे तो हमारी बेटी है, तो यही सुल्तान बनी है। अब उस दौर के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे मिन्हाज उस सिराज बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि सी इज़ द मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर, कि अपने भाइयों में सबसे जो है एबल और क्वालिफाई यही थी। लेकिन उसको लगता था यार एक लड़की कैसे जो है राजा बन सकती है। उसने कहा लड़कियों का काम घर का है, फैमिली संभालो, बच्चे देखो, ये जो तुम वो राजा नहीं बन सकती। इवन कि उसके दौर हालत ये थी कि उसके हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, कॉमन पब्लिक जो है रजिया को बहुत में रिस्पेक्ट करती है, लेकिन जो उसके दौर टाइम के अधिकारी थे वो लोग उससे जो है हैप्पी नहीं थे और उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करने की कोशिश की। फाइनली जो है रजिया को सिर्फ इसलिए पोस्ट से हटा दिया गया क्योंकि वो लेडी थी, और फाइनली उसको मार भी डाला गया था 1240 में। तो आप देख सकते हो कि उस दौर में किस हद तक भेदभाव होता था। आइए मिन्हाज उस सिराज का जो है फेमस थॉट है उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप उसका सोचना ये था कि जो है एक रानी का रूल करना या जो है भगवान के द्वारा बनाए गए सिस्टम के खिलाफ था। उसने कहा कि ये भगवान ने कहा है कि महिलाओं को जो है पुरुषों के अंडर ही रहना चाहिए। अब उसका स्टेटमेंट क्या एग्जैक्ट, उन्होंने कहा कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन। उसने कहा कि जो है भगवान ने जो मेल और फीमेल का रजिस्टर बनाया है, कहा कि उसको जो है मेल के जो है कैटेगरी में नहीं डाला है। ऐसे में समझ में नहीं आता कि उसके अंदर इतनी सारी जो है शानदार क्वालिटी कैसे आ सकती है। मीन्स वो एक ग्रेट वॉरियर थी, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थी, जो है लोग उसको पसंद करते थे, तो वो ये सोचता था ये काम तो ये क्वालिटी तो अच्छे राजा में होती है, ये चीज़ एक लड़की में कैसे हो सकती है। तो ये चीज़ इसको पसंद नहीं आ रही थी, और फाइनली बाकी नोबल्स ने विद्रोह करके दिखा दिया कि वो एक लड़की को राजा नहीं मान सकते हैं, और फाइनली इसको मार तो डाला ही था।
ठीक है। जो रजिया थी काफ़ी पॉपुलर राजा थी, उसने साफ साफ बोला कि मैं सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हूँ। इसके पैरेलल साउथ में भी एक रानी हुई थी रुद्रम्मा, कहाँ पर हैं तो वारंगल आंध्र प्रदेश में। एक बार जो है आंध्र प्रदेश का मैप देख लेते हैं, ठीक है। मैप देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन पे पहले जो हम कहाँ की बात कर रहे थे तो वो दिल्ली शहर की, ठीक है, दिल्ली सुल्तान की। अभी जो कहानी चल रही है वो इस आंध्रा और इसके आसपास के इलाके की, ठीक है। यहीं पर वारंगल डायनेस्टी, वारंगल इलाका था जहाँ पर जो है काकती फैमिली में रुद्रम्मा राजा हुई थी, ठीक। अब रुद्रम्मा देवी की कहानी क्या थी? आप बेसिकली ये लड़की थी और इसको भी इस बात का डर था कि लोग एज ए लड़की जो है इसको राजा एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। फाइनली हालत ये हुई कि उसने जो है खुद को एज ए मेल यानी कि लड़का बन के रूल किया। हमेशा जो है लोगों के बीच में वो एज ए मेल पहुंचती थी, वो कभी जो उसने जो है खुद को एज ए फीमेल शो ही नहीं किया। बाद में बहुत लेट से पता चला कि नहीं, वो एक लड़का नहीं थी, वो एक लड़की थी। मतलब सोसाइटी अभी भी जो है उस टाइम वहाँ पर भी जो है एक लड़की को एक राजा के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। एक और रानी थी दिद्दा, कहाँ पर? कश्मीर में, ठीक है। उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिद्दा वर्ड जो है दीदी से निकला, मीन्स कश्मीर की जनता जो है वो अपनी रानी को इजीली एक्सेप्ट करने को तैयार थे कि एक रानी भी जो है रूलर हो सकती है। और यही वजह थी कि काफ़ी रिस्पेक्ट के कारण जो है उसे दीदी की उपाधि दी, ठीक है। कश्मीर वाला इलाका कौन सा है? तो बेसिकली ये हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर का इलाका, ठीक है। उस दौर में जो एरिया काफ़ी बड़ा सा था, ठीक, तो यहीं पर जो है रानी दिद्दा रूल कर रही थी। तो अभी तक हमने जो है तीन जो है रानियों के बारे में देख लिया, ठीक। यहाँ पर एक सवाल है, क्या जो है आपको क्या लगता है कि मिन्हाज के जो आइडियाज़ थे वो सही थे? क्या आपको लगता है कि एक लड़की को रूलर नहीं होना चाहिए? तो अपना व्यू जो है बताइएगा ज़रूर, ठीक। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब सवाल आता है, ये गैरिसन टाउन क्या है? गैरिसन टाउन क्या है कि बेसिकली जो स्टार्टिंग दौर पे आपको जैसे कि बताया था कि जो अर्ली मुस्लिम रूलर्स थे, जो ये लोग जो है इंडिया में बाहर से अटैक करके आए थे, ठीक है, अफगानिस्तान साइड से ये इंडिया में एंटर किए थे, ठीक। तो अब इनकी संख्या बहुत कम थी, तो ये लोग करते क्या थे, कुछ खास शहरों में अपना एक फोर्ट बना करके अंदर ही रहते थे, ये लोग जो है उससे बाहर नहीं निकालते थे, ठीक। और वहीं पर जो है ये सारा सामान ले आते थे, वहीं पर लोगों को रखते थे, वहीं सोल्जर्स रखते थे, वहीं बिजनेसमैन होते थे, और सारा काम इनका यहीं होता था, ठीक। तो फोर्टिफाइड एरिया में ये जो रह रहे हैं तो वही इनका जो इलाका है वो हो गया गैरिसन टाउन। अगेन इसके पैरेलल जो बाकी ओपन एरिया था जहाँ पर किसान थे, बाकी लोग रहते थे, वो हो गया हिंटरलैंड, ठीक। गैरिसन टाउन क्या? तो जहाँ पर जो है फोर्टिफाइड सेटलमेंट, जहाँ पर जो है राजा अपने सैनिकों के साथ सुल्तान रहते थे, ठीक। और हिंटरलैंड मतलब क्या? उसके आसपास का जो है ओपन एरिया जहाँ पर जो है सारा मार्केट, खेत खलिहान होता था। तो क्योंकि जो है इन लोग की संख्या कम थी, ये लोग खुद भी डरे हुए थे, तो खुद को जो है टोटली गैरिसन टाउन में सेंटर करके रखा था, ठीक। अगेन हर साल के एंड में जब फसल कटने का टाइम होता था तो ये अपनी फ़ौज लेकर के निकलते थे और आसपास के शहरों गांवों पे अटैक करते थे और वहाँ से जो है काफ़ी सारा अनाज, सोना चांदी लूट लाट करके वापस चले आते थे और फिर जो है अपने किले के भीतर बैठे हैं, फिर जब पैसा खाली हुआ तो फिर लूटपाट करने निकलते थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग इनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अब गैरिसन टाउन से दूर दराज के इलाकों पर कब्जा कर पाना आसान नहीं था, ठीक। जैसा कि हम देखते हैं कि इनका एम्पायर जो है समय के साथ बड़ा तो हो रहा था, अब देखोगे कि लगभग जो है पूरा नॉर्थ इंडिया जो है इनके कंट्रोल में लगभग आ रहा था। लेकिन अगर हम ये सोचें कि इन गैरिसन टाउन दिल्ली से बैठ करके ये बंगाल को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो, या यहाँ पर सिंध है इसको अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो, ये पाकिस्तान का जो इलाका है सिंध यहाँ पर है, ठीक है, सिंध, तो इस इलाके पर कब्जा कर पा रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। क्योंकि जैसे ही जो है ये लोग लूटपाट करके निकलते थे तो जो लोकल राजा थे वो लोग फिर से जो है अपना एरिया जो है कंट्रोल कर लेते थे। तो इसलिए स्टार्टिंग दौर में जो है इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन आसान नहीं था। आप देख सकते हो कि इनके इलाके में काफ़ी बड़ा इलाका जो है इनके कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन इनकी आर्मी जो है वो अलग अलग किलों में ही रहती थी, बाहरी दुनिया पर इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, ठीक है। एडिशनली इसी टाइम बाहर से कई सारे अटैक्स हो रहे थे, एक फेमस रूलर्स थे मंगोल, ठीक है, चाइना के ऊपर एक छोटी सी कंट्री मंगोलिया, वहीं के ये लोग थे मंगोल। तो ये लोग बार बार जो है आसपास के इलाकों पे अटैक कर रहे थे और इवन कि जो है इंडिया में भी अटैक करने की कई बार कोशिश की।
तो जब कभी लगता था सुल्तान कमज़ोर हो रहा है तो फिर वो अटैक करके थोड़ा सा जो है सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते या लूटपाट करते थे, ठीक है। और कई बार उन्होंने अटैक किया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सल्तनत थी उसके सामने दो तरह के चैलेंजेस थे। याद रखिए, इस पर क्वेश्चन बनता है। पहली चीज़ इंटरनल फ्रंटियर, मीन्स कंट्री के भीतर क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पर उनका रूल है, मीन्स ये जो उनका एरिया है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, ये हो गया इंटरनल फ्रंटियर। और बाहर से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये हो गया एक्सटर्नल फ्रंटियर, ठीक है। ये हो गया इंटरनल, और बाहर से की जो प्रॉब्लम है एक्सटर्नल। अब इंटरनल फ्रंटियर क्या है, तो पहली चीज़ ये थी कि सल्तनत के जो रूलर्स थे वो ये चाहते थे कि हिंटरलैंड पे उनका कंट्रोल बढ़े, ठीक है। जो गांव है, जो आसपास के इलाके हैं, वो लोग टोटली उनका प्रभाव माने, ठीक है, उनको रेगुलर टैक्स दें, कभी रिवोल्ट ना करें, ये पहला चैलेंज था। दूसरी चीज़, इसके लिए उन्होंने क्या कुछ किया, तो सबसे पहला काम किया उन्होंने, जंगल साफ़ किए। क्यों जंगल साफ़ किए, होता क्या था, जो लोग विद्रोह करते थे, जो लोग रिवोल्ट करते थे, वो भाग के जंगलों में छिप जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, सारे जंगलों में आग लगाओ, सबको साफ़ कर दो। उसके बाद कहाँ पर, गंगा यमुना नदी के आसपास, मतलब यूपी बिहार का जो इलाका है वो पूरा हिस्सा साफ़ करवा दिया। उसके बाद वहाँ पर जो भी हंटर गैदरर और पास्टोरलिस्ट थे उनको उठा के बाहर भगा दिया। क्यों, उनकी जगह पे उन्होंने किसानों को बसाया, कहा कि ये ज़मीन पकड़ो, यहाँ खेती करो और हमको टैक्स दो, ठीक। एडिशनली उन्होंने जो है नए किले बनाए, ठीक है, नए नए फोर्ट्स बनाए। उसके बाद जो है उन्होंने जो है नए नए शहर बसाना शुरू किया और ट्रेड से इम्पोर्ट बढ़ाया, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। तो क्या कुछ काम किया, जंगल साफ़ किए, खेती को प्रमोट किया, नए शहर बसाए और बिजनेस एक्सपैंड किया, ठीक है, और नए किले बनाए। अब सवाल आता है कि बाहरी तौर पे क्या किया बाकी कंट्रीज से, अब तो हुआ अंदर का हिस्सा सेफ कर दिया, बाहर के लिए क्या किया। तो बाहर के लिए जो है उन्होंने सेनाएं मजबूत की। उसके बाद जो है वो साउथ इंडिया और जो है बाकी सारे हिस्सों पर अटैक करना शुरू किए। दो फेमस रूलर थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना शुरू किया। दो राजा जो है बहुत फेमस रहे हैं, एक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उन्होंने जो है अपनी आर्मी को काफ़ी पावरफुल बनाया, अंदर हाथी घोड़े स्लेव्स को मिक्स किया और जो है धीरे धीरे जो है साम्राज्य जो है पूरे भारत में फैलाना शुरू कर दिया। तो आप मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक, जबकि जो है सल्तनत को बने मात्र 150 साल हुए थे, ठीक है, उस समय तक दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरे जो सब कॉन्टिनेंट में घूम आई। आप ये मैप अगर देखोगे तो ये दिल्ली से शुरू होकर के ये लगभग साउथ इंडिया तक के जो है लास्ट छोर तक जो है ये पहुंच गए थे, जहां पर इन्होंने जो है कब्जा इस्टेब्लिश किया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो है, सॉरी, ये दिल्ली सल्तनत का जो है पूरा एक्सपेंशन है, जो बेसिकली दो रूलर के टाइम हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी। अलग अलग पीरियड में जो है ये अटैक्स हुए हैं जब दिल्ली के लोगों ने बाकी जगहों पे कब्जा किया। क्या वो कब्जा परमानेंट रहा, नहीं, थोड़े टाइम के लिए तो उन्होंने कब्जा किया बट बाद में ख़त्म हो गया। यहाँ पर जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, बेसिकली एक्चुअल में यहाँ पर जो है कुछ टेंपल्स थे जिनको तोड़ करके जो है इन लोगों ने मस्जिद बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है कुतुब मीनार को आप देख सकते हो, फेमस टावर जो है कुतुब मीनार है, और जो है बाकी जो है ये टेंपल्स के जो है स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टूटे हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये फेमस कुतुब मीनार है, ठीक। यहाँ पर जो है अगेन एक और इमारत है, उसके पिक्चर्स हैं, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अलग अलग पीरियड में बनाए गए अलग अलग उनके स्ट्रक्चर्स हैं, मोट की मस्जिद जो कि सिकंदर लोदी ने बनाया था, ठीक, ऐसे ही जो है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, द क्लोज़र लुक, द कंसोलिडेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक। खिलजी एंड तुगलक आते आते जो है जो दिल्ली सल्तनत है वो काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी, ठीक है, और क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था तो उन्होंने जो है बड़े बड़े गवर्नर्स अपॉइंट करने शुरू किया और एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करने शुरू किए। अब एक और बात थी कि इन्होंने जो है, जैसे नॉर्मली क्या होता था, बाकी जितने भी राजा लोग थे वो एरिस्टोक्रेट फैमिली के लोगों को टच करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहानी अलग थी। जो ये लोग थे इन्होंने जो है बेसिकली स्लेव्स को पकड़ा, पहले क्या होता था वो एलीट क्लास के लोगों को पकड़ते थे और उनको जो है रूलिंग पावर देते थे, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत में क्या है, स्लेव्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया गया, स्लेव्स को इवन के बाद राजा तक बना दिया गया। जैसा ही बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, ये सारे के सारे किसी ज़माने में स्लेव्स ही थे। इन स्लेव्स के लिए जो वर्ड आ रहा है बंदगान, ठीक है,
तो वो करते क्या थे, जो है अलग अलग जगहों से लोगों को खरीद करके लाते थे, अच्छे से ट्रेनिंग देते थे, और जो लायक होते थे उनको जो है ऊँची ऊँची पोस्ट दे देते थे। और जो है क्योंकि उनके पर्सनल स्लेव्स होते थे और ये स्लेव पर जो है राजा काफ़ी भरोसा करते थे। इवन कि एक सुल्तान है जिसका स्टेटमेंट है कि एक स्लेव जिसका अच्छे से पालन किया गया है और अच्छे से उसको प्रमोट किया गया, तो जो राजा की ये ड्यूटी है कि वो उसकी जो है लाइफ टाइम केयर करे और जो है उसको उसको जो है अच्छी चीज़ें सिखाए। कहा कि अगर आपका गुड लक होगा तो आपको एक योग्य जो है एक्सपीरियंस स्लेव बन सकता है। कहा जो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि एक वर्दी और एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर दैन ए सन। सोच सकते हो उस ज़माने में जो है स्लेव्स की कितनी रिस्पेक्ट थी कि लोग यहाँ तक कहते थे कि अगर जो है आपका स्लेव बहुत बुद्धिमान और एक्सपीरियंस है तो वह आपके बेटे से बढ़कर आपकी हेल्प करेगा। तो इस हद तक आप देख सकते हो कि लोग जो है स्लेव्स पर किस हद तक भरोसा करते थे। ठीक है, तो ये जो है स्टार्टिंग दौर में स्लेव्स पर बहुत ज़्यादा रहा। जो खिलजी और तुगलक थे इन्होंने भी जो है इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है, स्लेव्स को, और उनको ऊंची ऊंची पोस्ट थी। और वो इस बात की फिक्र नहीं करते थे कि बंदा एलीट क्लास का है कि नहीं, अगर आप लायक हो तो वो जो है अच्छी पोस्ट दे जाते थे। इवन कि जनरल और गवर्नर, आर्मी के जनरल गवर्नर्स और जो है अच्छी पोजीशन देते थे। जो स्लेव्स और क्लाइंट्स थे, क्लाइंट्स मतलब उनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय, ठीक है, ये लोग जो है जो अपने मालिक के प्रति तो लॉयल होते थे। अच्छा, ये भी एक समस्या थी, जैसे कि अगर एक्स ने अपने अंडर 10 लोगों को अपॉइंट किया, ठीक है, तो ये 10ों जो है एक्स के प्रति लॉयल तो होते थे, लेकिन समस्या क्या थी, एक्स का बेटा जो वाई होता था, वाई के पास अपने स्लेव्स होते थे, ठीक है। तो जैसे ही वाई राजा बनता था तो जो एक्स के स्लेव्स थे ये इसकी बात नहीं मानते थे, नंबर वन थी। और वाई करता क्या था, इन लोगों को हटा करके अपने लोगों को फिट करता था, ठीक है। पहले एक्स था, ठीक है, मान लो, ठीक है, एक्स के अंडर जो है एक्स ने 10 लोगों को अपॉइंट किया, ठीक, तो जो वाई आता था, चूँकि वाई के अंडर भी 10 लोग हैं, तो वाई जैसे ही राजा बनता था वो इन 10 लोगों को हटा देता था और इनकी जगह अपने 10 लोगों को फिट करने की सोचता था। अब इससे क्या होता था, ये 10 लोग जो है ये वाई को परेशान करने लग जाते थे। सीधी सी बात है, अगर आपको जो है ऊंची ऊंची पोस्ट मिली हुई है और अचानक से हम कहें कि नहीं, अब आप जो है इस इलाके के गवर्नर नहीं रहेंगे, आपकी सारी प्रॉपर्टी छीनी जाती है, तो आपको पसंद तो नहीं आएगा। तो ये जो है स्लेवरी सिस्टम जो है एक तरह से सुल्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी, एट द सेम टाइम नए सुल्तान के लिए हमेशा मुश्किल होती थी कि उसके बाप ने जिसको अपॉइंट किया हुआ है वो हमेशा इनके लिए प्रॉब्लम करते थे। और इसी कारण आप देखोगे सल्तनत एज में बार बार जो है राजा चेंज हुए हैं और हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, झगड़े, मारकाट होती ही रहती थी। ठीक है, कई लोग ये मानते थे, जो एलीट क्लास के जो लोग थे उनका कहना था कि ये जानबूझ करके जो लो कास्ट, लो बॉर्न बे लोगों को आप अधिकारी बना रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है। जैसे कि जो है आप सुल्तान मोहम्मद तुगलक पर जो है एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि ये इतना घटिया आदमी है कि इसने अजीज खुम्मर जो कि एक शराब बनाने वाला था, फिरोज़ हज्जाम जो कि एक बारबर था, मनका तबाक जो कि एक कुक था, दो गार्डनर थे लाढ़ा और पीरा, इन लोग को जो है बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट दे दिया था। कहा देखिए कि ये क्या पागलपन है कि ऐसे लोअर कास्ट लोगों को ऐसे जो है ऊंची पोस्ट नहीं देनी चाहिए, यह जो है उनकी इनकैपेबिलिटी को दिखाता है। आपको क्या लगता है, क्या किसी आदमी को सिर्फ इसलिए पोस्ट नहीं देनी चाहिए कि वो लो कास्ट का है? अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। क्या जियादुद्दीन बरनी का यह सोचना कि जो है सुल्तान ने गलत किया, क्या वो जियाउद्दीन बरनी की सोच क्या कैसी थी, सही थी या गलत थी? क्या जो है लोअर कास्ट को ऊंचे पोस्ट पे नहीं आने देना चाहिए? तो ऐसा पुराने दौर में जो है लोग भेदभाव करते थे। आप खिलजी और सुल्तान ने उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए, ठीक है। इनका मिलिट्री सिस्टम कैसा था, तो ये लोग करते क्या थे, जो भी लैंड होती थी, जैसे राजा के पास इतनी ज़मीनें हैं तो इस ज़मीन को कई हिस्से में डिवाइड करते थे, ठीक है। हर हिस्से को बोलते थे एकता, IQTA, ठीक है, IQTA, एकता, ठीक। पूरी ज़मीन को अलग अलग हिस्से में एकता बना दिया, ठीक है। और जो जिस आदमी को ये ज़मीन दी उसको इक्तेदार या मुक्ति कहते थे, ठीक है। जो मुक्ति होते थे, इनको इनका काम क्या था, तो पहली चीज़ जब भी राजा लड़ाई लड़ने जाएगा तो ये लोग जो है अपनी सेना लेके जाएंगे, ठीक है। एडिशनली जो ज़मीन उनको मिली है वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन होगा उसको एज ए सैलरी वो रख लेंगे। उसी सैलरी में से उनको सोल्जर्स को भी पेमेंट करनी है, प्लस कुछ पैसा जो है राजा को भेजना होता था, ठीक है। इसके बाद
एक और चीज़ थी, जो भी मुक्तिलोक की पोस्ट होती थी ये इनहेरिटेबल नहीं होती थी, मतलब वो अपने बेटे को जो है अपनी जगह पोस्ट नहीं दे सकते थे। सेकंड थिंग क्या था कि जो है जो सुल्तान थे वो इनको हमेशा ट्रांसफ़र कर सकते थे। अगेन एक और चीज़ थी कि इनके ऊपर जो है अकाउंटेंट्स बिठाए गए थे ताकि ये लोग जो है जो टैक्स में कोई फर्जीवाड़ा ना कर सकें या सोल्जर्स में कोई फर्जीवाड़ा ना कर सकें, क्योंकि सीधी सी बात है वो दिखा देंगे कि साहब 100 सैनिक रखे हैं और पता चला 20 ही रखा हुआ है, तो इस तरह की गड़बड़ ये लोग ना कर पाएँ, तो इसके लिए पूरा पॉइंट सिस्टम था। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें थी, तो सुल्तान ने क्या किया, अलग अलग लोगों को अलग अलग जो है साइज की लैंड देनी शुरू की। ठीक है, लैंड को क्या बोलते थे, इकता, और इनके जो होल्डर्स थे उनको कहा इक्तदार या मुक्ति। काम क्या था, तो बेसिकली मिलिट्री कैंपेन में हेल्प करना, आर्मी रखो और राजा के लिए लड़ने जाओ। ठीक, इनको जो ज़मीनें दी गई थी उससे जो पैसा मिलता था उसी से जो है टैक्स मिलते, उसी से सैलरी मिलती थी। ठीक है, इनको जो है सोल्जर्स को जो पैसा देना था उसी जो है ज़मीन की कमाई से देना होता था। ठीक, उनके ऑफिस जो है इनहेरिटेबल नहीं थे, मतलब अपने बेटे को नहीं दे सकते थे और यहाँ से वहाँ शिफ्ट किए जा सकते थे। अकाउंटेंट्स रखे गए थे ताकि जो है ये लोग कोई घपला घोटाला ना कर सके, मतलब उस दौर में भी जो है लोग जो है घपला घोटाला करते रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे जो है इनका प्रभाव पड़ता है तो इन्होंने जो है जो लोकल सामन थे इन लोगों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और उनको फोर्स किया कि आपको हमारे ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी था, चूँकि बहुत पावरफुल रूलर था अलाउद्दीन खिलजी, आप जो है आपको याद होगा जो है एक बार इसकी शक्ल देख लेते हैं, ये इसकी ओरिजिनल शक्ल है, एग्जैक्ट चेहरा तो आपको याद होगा नहीं, ये पद्मावत का रणवीर सिंह तो आपको याद ही आ रहा होगा, बड़ी बुरी इमेज बना के रखी है उसमें जो है राक्षस की तरह दिखाया, बट एक्चुअल में भारतीय इतिहास में कुछ शानदार राजा जिन्होंने बहुत बढ़िया से रूल किया था उसमें एक था, हालांकि बहुत क्रूएल आदमी था नो डाउट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका शानदार रहा था। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पूरी ज़मीन को अच्छे से एसेस करवाया, टैक्स कलेक्शन कितना होना है उसका हिसाब किताब करवाया, और उसके बाद जो है उसने ये सिस्टम किया कि सबको प्रॉपर जो है टैक्स सबमिट करना है, उसने जो पुराने लोग थे जिनको टैक्स माफ़ किया गया था वो सब कुछ हटा दिया गया और सबको जो है कहा कि सबको टैक्स भरना है। ठीक है, और जो लोग भी गड़बड़ कर रहे थे उनको उठा के फेंक दिए। टैक्स कलेक्शन का सिस्टम क्या था, जो भी जो है एग्रीकल्चर होता था उसका 50% उनको टैक्स देना था। यू कैन इमेजिन कि अगर आपने जो है 100 बोरी जो है गेहूं उगाई है या चावल उगाई है तो 50 बोरी तो आपको टैक्स ही भरने हैं। इसके बाद जो है कई टैक्स ऐसे थे जो जानवरों पे थे, इवन के घर बनाने पर भी जो है टैक्सेस थे। तो इसके बाद जो है आगे चलते हैं कि जो है इतने बड़े एरिया पे रूल करना इनके लिए भी आसान नहीं था। तो होता क्या था, अक्सर लोग जो है विद्रोह करते थे या जंगलों में भाग जाते थे, क्योंकि टैक्स ही बहुत ज़्यादा था। सीधी सी बात है, आप 100 बोरी गेहूं उगा रहे हो उसमें आप बोलो 50 बोरी टैक्स दे देंगे, उसके बाद 10 दूसरे तरह के टैक्स मांगोगे तो लोग तो नाराज़ होंगे ही। अच्छा, कभी बाढ़ आ गया, कभी जो सूखा पड़ गया, तो उसमें भी लोगों के लिए टैक्स देना मुश्किल होता था और राजा लोग हमेशा कहते कि हमको तो टैक्स चाहिए ही चाहिए, तो लोग कहाँ से टैक्स देंगे जब फसल ही सूख गई या बाढ़ में बह गई। तो इस कारण अक्सर विद्रोह होते रहते थे और राजाओं को बार बार जो है सेना भेजनी पड़ती थी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। एक राइटर थे इब्न बतूता, वो गाना भी था इब्न बतूता बगल में जूता, ये वो नहीं, वही नाम वही है, मोरक्को से इंडिया घूमने आया था। ठीक है, उसने जो है बताया कि इंडिया में जो लोकल जो है मुखिया लोग होते थे वो कितने पावरफुल थे। उन्होंने कहा कि जो है इनमें से कई ऐसे थे जो पहाड़ों के भीतर फोर्टिफाइड थे, बड़े बड़े पहाड़ों के भीतर जो है इनके किले होते थे। ठीक है, इवन की कुछ ज़मीनें ऐसी होती थी जो घने जंगल होते थे और वो बांस के घने जंगल होते थे जिसमें जो है छिप जाते थे। उसने कहा कि इंडिया में जो बंबू होता है वो बहुत ही उसमें जो है वो पूरा पूरा बड़ा ही हार्ड होता है और काफ़ी बड़े साइज का होता है, और कुछ जंगल कुछ जगहों पर जंगल इतने घने होते थे कि उसके अंदर घुस पाना पॉसिबल नहीं था, इवन कि जो उसके अंदर अगर आप भी आग भी लगा दो तब भी आप अंदर नहीं घुस पाते थे। इसलिए जो है जो अंदर जो मुखिया लोग रहते थे वो काफ़ी पावरफुल जो है पोजीशन में होते थे। उन्होंने क्या किया था, इन जंगलों के भीतर में जो है अपने जानवर रखे थे, अपनी खेती करते थे, उसके अंदर जो है बारिश का पानी उन्होंने स्टॉक किया हुआ था ताकि कहीं बाहर से पर नहीं आना पड़ा। कहा कि इवन कि अगर इनको कंट्रोल करना होता था तो बहुत बड़ी बड़ी फौज लेकर के आनी पड़ती थी, जब बहुत सारे टूल्स लेकर के जब इन जंगलों को काटा जाता था तभी इन मुखियाओं को कंट्रोल किया जा सकता था, अदरवाइज ये लोग किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे। इसी टाइम मंगोलिया से एक चंगेज़ खान का जो है भारत पे अटैक होता है। ठीक है,
1219 में, और उसके बाद कई राउंड होना शुरू होता है। तो उसको जो है दो अलग अलग राजा थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, दोनों ने कैसे मैनेज किया इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के सामने का पीरियड क्या था, तो आप देखोगे तो दो बार अटैक किए 1299 और 1303 में। ठीक है, दो बार उसने अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या किया, तो इसने एक डिफेंसिव मेजर लिया और जो है इसने एक बड़ी सी आर्मी खड़ी की अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जब इसके टाइम अटैक हुआ तो इसने जो है मंगोलों को एक बार हरा दिया। ठीक है, हराने के बाद जो है इतना इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो इसने सोचा कि हम खुद ही फ़ौज ले करके मंगोलों के घर ही अटैक करेंगे। जो मंगोल जो ट्रांसऑक्सियाना से आए थे, अफगानिस्तान के आगे का इलाका है, तो इन्होंने कहा कि ये बार बार हमको परेशान किए बैठे हैं, तो चलो हम उनके घर ही अटैक करते हैं। इसके लिए उसने एक बहुत बड़ी 300,000 की जो है फ़ौज खड़ी कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया, उसने दिल्ली के पास एक छोटा सा शहर बसाया सीरी, और उसको फ़ौजियों से भर दिया कि जिस दिन अटैक होगा उस दिन जो है ये फ़ौजी जो है लड़ने जाएंगे। इसने क्या किया, आप जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने क्या किया, दिल्ली के अंदर जो चार छोटे छोटे शहर थे उसमें एक शहर दिल्ली या कोहना को खाली करा दिया, और लोगों को फोर्स किया कि साउथ इंडिया में एक जगह थी है दौलताबाद, ठीक है, अब वहाँ पर आप चले जाओ, और उस शहर में उसने फ़ौजियों को भर दिया। ठीक है, और लोगों को फोर्स किया कि नहीं ये जगह खाली करो और दौलताबाद जाके रहो। ठीक, आगे चलते हैं। इसने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सोचा कि इतने सारे सोल्जर्स हैं तो उनको खाना चाहिए, तो उसने जो है टैक्स बढ़ा दिए। ठीक है, कहा कि जो है सबको टैक्स चाहिए, और ये कहा कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसने भी सेम काम किया, गंगा यमुना की ज़मीन सबसे फर्टाइल है तो वहाँ पर जो है उसने टैक्स बढ़ा दिया, और जो है कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उसी दौर पे अकाल पड़ा था जिसके कारण जो है प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। सीधी सी बात है, फसल उगी ही नहीं और यहाँ पे एडिशनल टैक्स मांग रहे हो तो कैसे मैनेज होगा। ठीक है, सोल्जर्स को जो है सैलरी पे जो है पेमेंट करनी थी, तो इसने क्या किया, बोला कि जो भी आप टैक्स दोगे वो कैश में दोगे। ठीक है, चूँकि सैनिक के सोल्जर्स इसके पास ही बहुत ज़्यादा थे, तो उसने कहा कि सारा पेमेंट हमको कैश में चाहिए। उसके बाद उसने जो है मार्केट में हर चीज़ की प्राइस फिक्स कर दी, कहा कि कोई भी जो है एक फिक्स रेट से ज़्यादा सामान नहीं बेचेगा, मतलब प्राइस नहीं लेगा। इससे क्या हो गया कि सैनिकों को सामान सस्ता मिला। एडिशनली उसने बिजनेसमैनों को जो है इंस्ट्रक्शन दिए, काफ़ी सारा लोन दिया कि आप जो है दूर देश से जहाँ से भी आपको अनाज सस्ता मिलता है आप ले कर के आओ, ताकि हमारे सोल्जर्स को अनाज की कमी ना हो और सस्ता सामान मिल पाए। इवन कि जो लोग जो है उल्टा सीधा सामान देते थे या सस्ते रेट महंगे रेट पे सामान बेचते थे उनको बहुत स्ट्रिक्टली पनिश करता था। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इसने जो है एक टोकन करेंसी बनाई। इट मींस कि उसने क्या किया था, कॉपर का एक कॉइन बना दिया और उसकी वैल्यू जो है सिल्वर के कॉइन के बराबर कर दी। अब यू कैन इमेजिन कि आपको ये कहा जाए कि एक 100 का नोट है और एक कागज़ पर जो है 100 रुपये लिख दो, इसकी वैल्यू 100 के नोट के बराबर कर दी जाए, तो क्या होगा, सारे लोग हाथ से जो है 100-100 रुपये लिख करके पहुंच जाएंगे सेल करने। तो यही गड़बड़ हुई, चूँकि उस दौर में सिक्के कोई भी बनवा सकता था, तो लोगों ने क्या किया, घर घर जो है कॉपर के सिक्के बनाने शुरू कर दिए और कहा कि साहब ये कॉपर के सिक्के लो, बदले में मैं हमको सिल्वर के सिक्के दे दो। तो इतना सारा जो है लोगों ने घपले घोटाले कर दिए कि इनका जो है जो क्वाइन सिस्टम था, वो एक्सपेरिमेंट था, वो बुरी तरह से फेल हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसको जो है हिस्टोरियन ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि उसके टाइम में प्राइस बहुत कंट्रोल थे, अटैक्स ख़त्म हो गए और जो है मंगोलों से जो है सेफ रहा। और ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है बहुत ज़्यादा गालियाँ मिली, उसने जो है कश्मीर में सैनिक भेजे थे और वहाँ से जो है कहते हैं कि लगभग 2.5 लाख सैनिक गए थे और सिर्फ 3 ही जिंदा बच के आए थे, उसमें भी 2 लंगड़े हो चुके थे। ठीक है, उसने जो है ट्रांसऑक्सियाना मतलब मंगोलों के घर पे अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वहाँ सिचुएशन चेंज हो गई तो वो जो है सरेंडर कर दिया, कहा कि नहीं जाएंगे, कि हम वहाँ लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे, और सैनिकों को 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी थी, वो सारा पैसा वेस्ट किया। तो इस कारण जो है उसने टोकन करेंसी स्टार्ट की, कॉपर के कॉइन, वो भी फेल हो गए। गंगा यमुना बेल्ट में जो है टैक्स बढ़ाया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। उसने जो है कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश की तो लोग नाराज़ हो गए। तो इसी कारण से जो है मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल राजा कहा जाता है, लेकिन उसके आइडियाज जो है बहुत ज़बरदस्त हैं। आज देखो, आज के दौर में कहीं भी गोल्ड सिल्वर के कॉइन नहीं चलते, पेपर करेंसी चलती है, ये भी एक तरह की टोकन मनी ही है।
आप अगर नोट देखोगे तो उसमें भी लिखा होता है, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो आपको जो जो नोट मिलता है वो एक्चुअल करेंसी नहीं है, वो उसकी एक रेप्लिका है, वो एक टोकन मनी है। ठीक है, वो सब आपको डीप बड़ी क्लासेस में डिटेल मिलेगा, अभी आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो है अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन फिर भी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने डिफेंसिव के बजाय ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की थी। इट मीन्स कि जो है उनके पास पावर रही ज़रूर थी। 15th-16th century में क्या हुआ, ठीक है, तुगलक्स के बाद जो है छोटी छोटी दो डायनेस्टी आती है, सैयद और लोधी रूलर्स, जिन्होंने जो अपनी कैपिटल दिल्ली और उसके बाद फिर आगरा लेकर के आ गए। इसी टाइम इनकी पावर काफ़ी कम हो गई थी, तो उनके पैरेलल छोटे छोटे कई और राज्य पनप जाते हैं, जौनपुर में, बंगाल में, मालवा, गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ पर कई नए नए राजा जो है बनने शुरू हो जाते हैं और उन्होंने भी जो है अपनी कैपिटल को काफ़ी प्रॉस्पर बना दिया था। और इसी दौर में जो है अफ़गान और राजपूत, ये दो बड़ी पावरफुल कम्युनिटी उभर करके आती है इनके पैरेलल। ठीक है, इसी क्रम में एक और जो है आप छोटी सी जो है एक राजा थे शेरशाह सूरी, ठीक है, सूर या सूरी मिलता है आप, इनका पीरियड थोड़ा सा बाद है, इधर से सिर्फ इनका बैकग्राउंड मिलता है। आप बिहार में ये एक छोटे से ज़मींदार थे, लेकिन जो धीरे धीरे जो अपनी पावर एक्सटेंड की और जो है आप 1526 ये वो पीरियड है जबकि जो है मुग़ल बादशाह जो है बाबर भारत में आते हैं 1526, ठीक है, जहाँ पे बाबर आता है। ठीक है, बाबर के बाद जो है अगला राजा जो है हुमायूं बनता है, तो शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं जब राजा बनता है उसको हरा देता है। हराने के बाद जो है वो भारत का बादशाह बनता है शेरशाह सूरी, लेकिन ज़्यादा दिन रह नहीं पाया शेरशाह सूरी, इस चैप्टर के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए उसने रूल किया था। हालांकि जो है उसके बाद जो है फिर अकबर ने उसको हरा दिया, हुमायूं का बेटा अकबर, सबसे पहले बाबर मुग़ल बादशाह में, आगे मिलेगा इसलिए परेशान नहीं होना, बाबर के बाद हुमायूं, ठीक है, और इसी का बेटा था अकबर, ठीक है, इसी दोनों के बीच में जो है शेरशाह सूरी जो है रूल किया था। ठीक है, तो अकबर फिर से आकर के हरा देता है। शेरशाह सूरी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हालांकि बहुत थोड़े पीरियड के लिए रूल किए थे 1540 से 1555 तक, बट इसने कई सारे जो है इम्पोर्टेंट चेंजेज किए, जो क्वाइन सिस्टम में, जो है सड़क बनाने में, कई सारे उसने एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े चेंजेज किए थे, जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किए थे उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया था, और बाद में उसी को जो है अकबर ने और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, और जिससे जो है मुग़ल एम्पायर इतना मजबूत बन पाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है थ्री ऑर्डर्स कि जिस टाइम ये सब चल रहा था उस समय यूरोप में क्या हो रहा था। तो यूरोप में स्पेशली फ्रांस में जो है सोसाइटी को तीन कैटेगरी में बांटा गया था, जैसे भारत में चार कैटेगरी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनके यहाँ तीन कैटेगरी थी। कौन? दोज हु प्रे, ठीक है, ये थे क्लर्जी, दोज हु फॉट, क्लर्जी हमारे यहाँ ब्राह्मण मान सकते हो, दोज हु फॉट ये जो है थे नोबेलिटी, ठीक है, हमारे यहाँ क्षत्रिय मान सकते हो, दोज हु टिल्टेड लैंड, ठीक है, ये जो है किसान थे। ठीक, तो ये तीन कैटेगरी में उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया था, जिसको उन्होंने थ्री ऑर्डर कहा था। चर्च ने जो है इस सिस्टम को प्रमोट किया था। इसी टाइम एक और जो है नई कम्युनिटी पनपती है, नाइट्स। तो बेसिकली जो लॉर्ड्स थे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए इनसे जो है एज ए सोल्जर इनको अपॉइंट करना शुरू किया था। अब होता क्या था, ये नाइट्स हमेशा आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, जिसके कारण राजा लोग को रूल करने में दिक्कत होती थी और चर्च को भी परेशानी होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि नाइट्स को मोटिवेट किया कि आप जाओ मुस्लिम लोगों से लड़ो। ठीक है, एक शहर था जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम एक ऐसा शहर है, आप जो है इसराइल में ये शहर है, आप जो जिस पर जो तीन धर्मों का जो है जो मानने वाले लोग हैं यहाँ पे, ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियंस। ठीक है, तीनों धर्म के लोग मानते हैं कि यह हमारा फेमस शहर है, इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए, और इस पर जो है मुस्लिम लोगों का कब्जा हो चुका था, तो ईसाई लोगों ने, जो भी ईसाई राजा लोग थे, उन्होंने नाइट्स को वो भेजा कि आप जाइए लड़िए, और कई सौ साल तक जो है जो नाइट्स थे ये जो है इन मुस्लिम लोगों से लड़ते रहे। इसी के लिए जो है मुस्लिम लोग जिहाद कहते हैं और क्रिश्चियन लोग जो है क्रूसेड कहते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन लोग जो है ये इसको क्रूसेड्स कहते हैं। ठीक,
क्रिश्चियन लोगों ने क्रूसेड का, ठीक है। और हालत ये हो गई कि ये जो वॉरियर्स थे इतने ज़्यादा फेमस हुए कि बाद में, हालांकि ये लोअर कास्ट के थे, लेकिन बाद में जो है जो एलीट लोग थे वो लोग भी खुद को नाइट्स कहलाना जो है बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे, ठीक है। तो इस तरह से ये पोर्शन एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन क्लास 11 में जाएंगे तो ये चीज़ डिटेल में मिलेगी। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है। तो वीडियो पसंद में कोई भी कन्फ्यूज़न रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।